नमस्कार दर्शकों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आचार्य सार्थक। अब जैसे जैसे देखिए समय बीतता जाता है, मार्च का महीना आया है तो हर किसी के मन में ये जिज्ञासा रहेगी कि मार्च का महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो फरवरी का महीना था वो तो चले निकल गया जैसे तैसे, क्या मार्च के महीने में कुछ अच्छे योग बन रहे हैं या कुछ ऐसा पैसे में इजाफा होगा, कार्य क्षेत्र के लिए कैसी चीजें रहेंगी, ये जो प्रिडिक्शन बेस्ड है ये है आपके मून साइन के ऊपर। तो जिस किसी को आपको अपना मून साइन पता है उसके अनुसार ही आप जो है कि ये प्रिडिक्शंस को फॉलो करिएगा। सन साइन बेस्ड ये प्रिडिक्शन नहीं होते। और साथ ही विशेष तौर पे आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता या कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराना है तो उसके लिए आपको हमारी एस्ट्रो योगी के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा या हमारे आप एस्ट्रो योगी के वेबसाइट पैनल पे आके मुझसे आप एस्ट्रो योगी के माध्यम से आचार्य सार्थक से संपर्क कर सकते हैं या और भी किसी अन्य आचार्य से आप संपर्क कर सकते हैं और कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करा सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं या अच्छे जो दिन आपके जीवन में आने वाले हैं वो कब आएंगे, वो कुंडली के विस्तार से विश्लेषण से पता चलता है। जिसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देना पड़ता है, ताकि आपको विस्तार से आपकी कुंडली के बारे में समझाया जा सके, बताया जा सके, आपकी दशाओं और गोचर के अनुसार बताया जा सके। तो इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा और कहीं ना कहीं अब सिर्फ कॉल के माध्यम से नहीं, चैट के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसे देखिए कई बार आप किसी भीड़ वाली जगह पे हैं जहां आप कॉल पे बात नहीं कर सकते, तो आराम से बैठिए, चैट के माध्यम से भी आप हमसे, मेरे से या हमारे जो एस्ट्रो योगी के और आचार्य हैं उनसे संपर्क करके अपने मन की दुविधा को दूर कर सकते हैं। मकर राशि के लिए अगर देखा जाए मार्च का महीना बहुत ही भाग्यवर्धक साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जनवरी फरवरी मार्च जो बेसिकली होते शनि से संबंधित ही महीने माने जाते हैं और इनमें जो परिस्थितियां बनती है वो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर कह लीजिए इस तरीके की परिस्थितियां बनती है जो आपके लिए लाभकारी साबित होती है। आपके लिए शनि उस समय में, देखिए कहा जाता है कि मार्च के महीने में जनवरी से मार्च तक शनि का विशेष प्रभाव माना जाता है और आपकी राशि का ही वो कहीं ना कहीं स्वामी है। तो अगर देखा जाए तो देखिए कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, आपके एफर्ट्स आप एक कह लीजिए रंग लाएंगे, मतलब मेहनत जो है आपकी सफल होती हुई मार्च के महीने में नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, जॉब मिलने के योग बनते हैं अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, या चेंजेस जो होंगे आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस साबित होंगे। हो सकता है आपका इंटरनल कुछ मूवमेंट हो जाए, लेकिन वो जो मूवमेंट होगा वो भी विशेष तौर पे आपके लिए लाभकारी साबित होगा। मतलब एक कह लीजिए जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है सब कुछ आपके पक्ष में आने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए अगर देखा जाए समय, वो भी बहुत लाभकारी साबित होगा, न्यू क्लाइंटेज बनेगी, नए ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मतलब एक कह लीजिए जो लोग व्यापार करना शुरू भी करना चाहते हैं उनके लिए भी विशेष तौर पे नए कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब आप एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने काम को अच्छे से, तो वो एक लाभकारी स्थिति है। क्योंकि देखिए जब एक्सप्लोर कर पाएंगे तो आप उसको और चीजों को सोचेंगे, न्यू आइडियाज आपके माइंड में आएंगे जिसके कारण आप अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। क्लाइंटेज आपकी बढ़नी है, पैसे आपके पास रहेंगे, लेकिन देखिए ओवर एक्सेस में खर्चा हो सकता है, सेविंग्स कम रहेंगी, लेकिन देखिए पैसा आएगा भी, ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा नहीं और बस खर्चे ही खर्चे चलते रहेंगे, वो वाली टेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं पैसा आएगा और जो है कि जो खर्चे हैं आपके वो उसी अकॉर्डिंगली ही होंगे। तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पे ये जो चीज है, और शुभ चीजों के ऊपर अगर खर्चा होता है तो देखिए उसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं होती। तो विशेष तौर पे पैसे को लेकर स्थिति ऐसी बन रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जॉइंट्स पेन की समस्या रह सकती है, हैवी वेट वगैरह उठाना या जल्दबाजी इधर उधर करना, पैर कहीं उल्टा सीधा पड़ सकता है, मोच आ सकती है, जॉइंट पेन की समस्या हो सकती है, उसका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राएं आपकी होनी है और विदेश यात्रा के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि विदेश यात्रा हो जाए हो जाए हो जाए, तो अब वो समय है जिसमें आपकी विदेश यात्रा के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप कह लीजिए कहीं ना कहीं अब ट्रैवलिंग आपकी निश्चित है, मार्च के महीने में आपकी ट्रैवलिंग हो जाएगी और आपके लिए वो लाभकारी भी साबित होगी। अब बात करते हैं, देखिए ट्रैवलिंग हो गई, रिलेशनशिप के लिए अगर देखिए बात करते हैं, हाँ रिलेशनशिप विशेष तौर पे प्रपोजल आपको आ सकता है, शादी आपकी तय हो सकती है मार्च के महीने में, या फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक कह लीजिए आपको मिल सकती है। आपने अगर किसी को प्रपोज किया तो आप खुश हो जाइए, कहीं ना कहीं हाँ सुनने को आपको
मार्च के महीने में मकर राशि के जातकों को मिल सकती है। तो ये जो जानकारी थी, ये थी आपके लिए क्या क्या परिस्थितियां बनेंगी। अब सामान्य कुछ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से हमारा भाग्य और साथ देगा। आपको अंक 5 का प्रयोग करना है, मूलांक 5 आपने जो है अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर पूरा महीना लिख के रखना है। देखिए, अंक 8 का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि 8 कहीं ना कहीं समस्या को ज्यादा उत्पन्न करा सकता है। तो अंक 5 को आपने लेफ्ट हैंड पे जो है कि डेली लिखना है, अगर मिट जाता है तो उसको ओवरराइट करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम समूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का भी अगर आप चाहें तो आप जाप कर सकते हैं। शनि देव आपसे प्रसन्न होंगे और विशेष तौर पे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ जितना हो सके, देखिए शनिवार के दिन अगर पॉसिबल हो तो किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए। आपके लिए सामान्य भी एक टिप है कि जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर एक बिस्किट का पैकेट भी आप शनिवार के दिन दान करते हैं तो शनि आपसे बहुत खुश होंगे और आपको लाभ मिलेगा। और नीले कलर का जितना हो सकता है, बैगनी कलर का जितना हो सकता है उसका प्रयोग करिए, आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। सातमुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो ये जो जानकारी थी, ये थी मकर राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने की। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने जो है कि ये टिप्स को ठाना भी होगा कि आप फॉलो करेंगे और अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भी भला हो और आपके जो अपने करीबी हैं उनका भी भला हो। और साथ ही साथ इससे देखिए नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्योतिष से संबंधित वीडियोस हम हर रोज डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड होती है, या बड़ा कुछ गोचरी अगर चेंज होता है वो भी वीडियोस अपलोड होती हैं, ताकि वो भी आपको विस्तार से समय समय पर मिलती रहे, आपके पास पहली नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी राशि के अनुसार अपने जीवन के उतार चढ़ाव जान पाए। तो बस आपसे यही अनुरोध था, हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, हमारे चैनल को एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को, या एस्ट्रो योगी के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।